Hey everyone, welcome back to Physics Spectrum. My name is Manisha और मैं आज जो आपको टॉपिक कराने वाली हूँ, ये टॉपिक ना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप CBSE या फिर मतलब किसी भी स्कूल से आप किसी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप फिजिक्स पढ़ते हैं 11, 12 में या 9, 10 में और या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इनफैक्ट ये टॉपिक जो है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारे बेसिक नॉलेज, जर्नल साइंस की बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, आज मैं आपको तीन टॉपिक्स कराने वाली हूँ. 3 types ऑफ वायर, ग्राउंडिंग और अर्थिंग का क्या मतलब है, और इन दोनों टॉपिक्स के से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस वे में कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहली चीज़ जो है, 3 types ऑफ वायर, हम ये चीज़ पढ़ेंगे. अब जब हमारे घर में जो सप्लाई होती है करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, आप उसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं और करंट भी बोल सकते हैं, तो जो वो सप्लाई होती है वो जिन वायर्स के थ्रू होती है, आज मैं आपको वही वायर्स पढ़ाने वाली हूँ कि कितने टाइप की वायर्स होती हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, कैसे उनका सेटअप होता है, आई मीन प्लग में उनको किस तरीके से अटैच किया जाता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग. सो प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ का डाउट आपको आता है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट करिएगा. नाउ ये जैसे हमारे पास वायर है, यहाँ पे हमारे पास 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन है. ओके, एक ये जो वायर है आपके लिए ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ये 3 कलर्स है वायर के, जो ब्लैक है, रेड, ग्रीन और ब्लैक. इसके अलावा ये कलर्स के वे मैं आपको शायद ना बताऊँ, लेकिन आप भी 3 types वायर के सुने होंगे. एक होता है लाइट वायर, सेकेंड वन इज अर्थ वायर एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल वायर. ये 3 types होते हैं हमारे पास वायर के. फर्स्ट है लाइट वायर, सेकेंड अर्थ वायर एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल वायर. अब ये जो वायर्स हैं, इसमें जैसे आप देख सकते हैं, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक रेड है. ये जो हमारे पास 3 वायर्स हैं, ये ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर, ये तीनों जो कलर्स हैं, इसमें जो ब्लैक कलर है, जो ग्रीन वायर है, इसको हम अर्थ वायर कहते हैं. जो हमारी ब्लैक वायर है ये हमारी न्यूट्रल वायर होती है और जो रेड कलर की है वो लाइट वायर होती है. ठीक है, सो जो रेड है ये है आपकी लाइट वायर, ग्रीन जो है, ग्रीन और येलो जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इनमें कलर में ना थोड़े से चेंजेस आते हैं, मतलब वायर में नहीं आते बट इसकी जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे बता रही हूँ. ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, कहीं पे आपको देखने को मिले. तो ग्रीन और येलो है तो वो अर्थ वायर है. ठीक है, और अगर ब्लैक है, ये जो ब्लैक वायर है ये आपकी न्यूट्रल वायर है. अब जो ब्लैक कलर है, ये जो ब्लैक वायर है ये ओल्ड सिस्टम में था, न्यू सिस्टम में ये ब्लू भी हो सकती है. ठीक है, मतलब डार्क ब्लू में ये न्यूट्रल वायर है. इसके अलावा जो हमारी रेड वाली है, इस ये ब्राउन कलर की वायर अगर है तो रेड कलर की जो वायर है ये आपके ओल्ड सिस्टम में थी और इसकी जगह पे ब्राउन कलर भी हो सकता है जो न्यू सिस्टम है. ठीक है, तो ये 3 types हैं. फर्स्ट है लाइट वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर. ये तीनों के कलर कॉम्बिनेशन हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक. ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी हो सकती है जो कि न्यूट्रल है. ग्रीन है तो अर्थ वायर है और ब्राउन और रेड है तो वो आपकी लाइट वायर है. रेड कलर ओल्ड सिस्टम में था, ब्राउन कलर अभी जो हमारा करंट का सिस्टम है उसके अंदर है. ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स की, ये हमारी जो वायर्स हैं इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं. इसके बाद में क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है वो ये कि जो हमारे पास 3 types ऑफ वायर हैं, इनके क्या यूज़ हैं, इनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये जो वायर्स हैं हमारे पास, लाइट वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, इन तीनों का क्या यूज़ होता है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको अर्थ वायर बता दी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होती है. अर्थ वायर ये एक सेफ्टी वायर है जिसको एज अ सेफ्टी पर्पस हम यूज़ करते हैं. इसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं. जो मैंने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक लिखा है वो इससे रिलेटेड है, जो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. इसके अलावा जो लाइव वायर है, मतलब कि अर्थ वायर इन शॉर्ट में,
यूज़ करी जाती है फॉर अ सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, ये वायर जो है इसे पावर स्टेशन से, जनरेटर के पावर स्टेशन से इसको कनेक्ट किया जाता है जो सप्लाई होती है 220 वोल्टेज की। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि 220 वोल्टेज की सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक सर्किट्स में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइव वायर है इसको मेन पावर स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है। जो न्यूट्रल वायर है ये करंट को वापस लेकर जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट जो लाइव वायर है ये करंट को सारे अप्लायंसेस तक लेकर जाती है पावर स्टेशन से, और जो न्यूट्रल वायर है ये करंट को रिटर्न बैक करती है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, डिटेल में मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। नाउ जैसे जो हमारी लाइव वायर है इसमें 220 वोल्टेज हो गई, तो अर्थ वायर में तो कोई करंट ही नहीं होता, तो वहाँ पे जीरो वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया उसको डिटेल में मैंने ऐसे लिखा है, देखिए लाइव वायर कैरीज द करंट टू द अप्लायंस, ठीक है। जो लाइव वायर है वो क्या करती है, करंट को अप्लायंस तक लेके जाती है। न्यूट्रल वायर, अब सेकेंड जो है न्यूट्रल वायर वो क्या करती है, कैरीज इट बैक, ठीक है, वापस लेकर जाती है। लाइव वायर जो है करंट को लेकर जा रही है, तो जो न्यूट्रल वायर है वो उस करंट को वापस लेकर जाती है। नाउ जो अर्थ वायर है, द अर्थ वायर इज फॉर आर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ द, जो अर्थ वायर है एज आई टोल्ड यू कि हमारी सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है, तो इसको एज अ प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं। इन केस द लाइव वायर जिसमें जो पावर स्टेशन से कनेक्ट करी जाती है मेक्स अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, अगर लाइव वायर एक मेटल के कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी अप्लायंस में, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको कोई भी पर्सन वहाँ पे है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। बट जो अगर हमने अर्थ वायर वहाँ पे यूज़ करी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द मेटल कॉजिंग ऑफ एन अप्लायंस, ठीक है। वेन दिस हैपन्स द करंट विल पास टू द अर्थ इंस्टेड ऑफ आर बॉडी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे जो करंट है वो अर्थ में चला जाएगा हमारी बॉडी के बजाय, ठीक है। तो ये एज अ सेफ्टी पर्पज भी यूज़ किया जा सकता है, और ये हमारी लाइफ सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कम समझाया है इसमें, कोई और टॉपिक मैं ऐड कर सकती थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और कमेंट करिएगा बट इसके अलावा कि मेरी राइटिंग ख़राब है, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे पता है, तो जो मुझे नहीं पता प्लीज़ वो बताइएगा, ओके। सो अब जो इसके बाद में मैंने ये थ्री टाइप्स ऑफ वायरिंग्स के यूजेस आपने देख लिए कि कैसे कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसके बाद में आती है इनकी कंस्ट्रक्शन या इनका सेटअप, कि जो हमारा हम जो सर्किट लेते हैं या फिर प्लग लेते हैं, थ्री टर्मिनल प्लग लेते हैं, तो उसमें इनकी जो प्लेस होती है कहाँ कहाँ पे लाइव वायर होती है, कहाँ पे अर्थ वायर होती है, कहाँ पे न्यूट्रल वायर होती है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इनकी जो प्लेस है वो क्या है, ओके। सो मैं इसको रख करके अब नेक्स्ट बढ़ाती हूँ। अब ये जो है इनसाइड द प्लग थ्री टर्मिनल प्लग है, उसके अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की प्लेस क्या होती है। जो हमारी लाइव वायर है जो कि रेड कलर की होती है, इसे हम हमेशा राइट साइड पे रखते हैं, राइट साइड पे लाइव टर्मिनल पे, ठीक है। लाइव वायर कहाँ होगी, लाइव टर्मिनल पर। और जो न्यूट्रल वायर है वो कहाँ होगी, न्यूट्रल टर्मिनल पे, जो कि कहाँ होगा, लेफ्ट पर, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये वाली कहाँ होगी, राइट। इसके बाद में जो इनकी पोजीशन है कि कहाँ पे इन वायर्स को सेट किया जाता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये थ्री टाइप्स ऑफ वायर्स यहाँ पे ये खत्म है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको टॉपिक देता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होती है। ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि जो अर्थ वायर होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी पर्पस, तो सेम चीज़ है जो ग्राउंडिंग और अर्थिंग है, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम शॉक से या फिर खुद को हार्म होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, When a charged body is brought in contact with the earth, जब एक charged body earth की contact में आती है, its entire charge passes to the ground, ठीक है, in the form of momentary current. Momentary current का मतलब होता है maximum amount of current. तो जब कभी भी एक चार्ज बॉडी अगर अर्थ के कांटेक्ट में आती है, तो उस टाइम पे जो उस बॉडी का एंटायर चार्ज होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, मतलब कि अर्थ में, ठीक है। दिस प्रोसेस इन विच, यहाँ से इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर इट्स चार्जेस विद द अर्थ, ठीक
ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें एक बॉडी अपना जो चार्ज है वो अर्थ के साथ में शेयर करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ठीक है, ये दोनों सिमिलर प्रोसेस हैं, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, ग्राउंडिंग भी हो सकता है और अर्थिंग भी हो सकता है। सो ये डेफिनेशन थी ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होता है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है इसके ऊपर अब कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपने शायद से किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखे भी होंगे और डेफिनेटली देखे ही होंगे। इसके अलावा हो सकता है आपने अपने अकेडमिक्स में देखते हैं क्लासेस में, लाइक 11th में, 12th में, 9th, 10th में भी आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। सो मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी क्लास लेते हैं तो उस टाइम पे पेपर और पेन अपने साथ लेकर बैठे, ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा मैंने कभी बोला हो, जैसे सपोज हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको समझा के एक्सप्लेन करूँ, तो उसमें से अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि पता होना चाहिए तो उसे प्लीज़ नोट करिए, ताकि वो बाद में आपके लिए यूजफुल हो। सो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो जिससे पैटर्न से आपको आइडिया लगेगा कि जो अभी मैंने आपको बायर्स के बारे में पढ़ाया उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पुट करे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। ठीक है, आपको न्यूट्रल और अर्थ वायर में डिफरेंस लिखना है। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, आप उससे बना के आंसर लिखेगा। न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, जो कि करंट को वापस लेकर जाती है। दूसरा, आप इसका कलर लिख सकते हैं, न्यूट्रल वायर किस कलर की होती है। नेक्स्ट आता है अर्थ वायर। अर्थ वायर में आप ये लिख सकते हैं, ऊपर से आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जीरो वोल्टेज होती है। ठीक है, अर्थ वायर जो है ये इसमें करंट नहीं होता है, ये हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए डिवाइस में यूज़ करी जाती है, सर्किट में यूज़ करी जाती है, ये हमें शॉक्स इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। ठीक है, और इसमें ग्राउंडिंग और अर्थिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अर्थिंग इज़ रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जो अर्थिंग है उसकी क्यों ज़रूरत होती है जब हम वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, इसका आंसर अभी मैंने पूरा लिखा था कंप्लीट कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग की ज़रूरत क्यों होती है, कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अगर कभी लाइव वायर किसी मेटल से, मतलब अप्लायंस में किसी मेटल से कनेक्ट हो जाए, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब अर्थिंग होती है तो उस टाइम पे ये हमारे लिए एज अ प्रोटेक्शन और एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारे लिए सेफ्टी वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेन स्विच। मेन स्विच क्या होता है? मेन स्विच इज द नेम ऑफ मास्टर स्विच। ठीक है, मेन स्विच क्या होता है? मास्टर स्विच का एक नाम होता है जो कि कनेक्ट करता है और डिसकनेक्ट करता है ऑल द सर्किट्स ऑफ आवर हाउस। हमारे घर में जितने भी सर्किट्स होते हैं वो एक मेन स्विच से कनेक्ट होते हैं, जिसे आप पावर स्विच भी कह सकते हैं। इस स्विच का क्या काम होता है? ये सारे घर के जितने भी सर्किट्स होते हैं उनमें जो भी करंट पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एसी एंड डीसी सप्लाई। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी सप्लाई क्या होता है और डीसी सप्लाई क्या होती है? इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप जो ले सकते हैं, एसी और डीसी की फुल फॉर्म देख सकते हैं। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉरी, एसी की जो फुल फॉर्म है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड डीसी की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट करंट। ठीक है, मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एसी में क्या होता है, इस तरीके से वेरिएशन आते हैं। ठीक है, एंड डीसी में क्या होता है, ये अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एसी में जो करंट है या इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पीरियोडिकली मूव कर रहा है, मतलब कि इसकी कोई ऐसा फिक्स डायरेक्शन नहीं है, प्लस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी फिक्स नहीं है। सेकंड जो है डीसी करंट, ये सिंगल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो आप इसके इस तरीके से पॉइंट्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है, इसमें पीरियोडिकली मोशन होता है, इसमें सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीबी और फ्यूज। अब जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है एमसीबी और फ्यूज। ठीक है, ये दोनों एक तरीके से सिमिलर डिवाइस हैं, बट इनका यूज़ अलग अलग कैसे किया जाता है और क्या इनमें डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ आती है एमसीबी। व्हाट इज़ एमसीबी, या फिर डिफाइन एमसीबी, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड फ्यूज, इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पे आते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एमसीबी में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये एमसीबी की फुल फॉर्म है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
इसका जो यूज़ किया जाता है, कई बार क्या होता है कि जो हमारा अप्लायंस होता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कोई एक अबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है। अबनॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जो करंट फ्लो है वो ओवरलोड हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए, उस टाइम पे क्या होता है एमसीडी की वजह से जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये हमारी डिवाइस की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद में जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का भी कुछ सिमिलर सा वर्क होता है, ये भी करंट को डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, जब ओवरलोड होता है या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है फ्यूज़, लो कॉस्ट, मतलब कि जो फ्यूज़ है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमसीडी। ठीक है, उसके बाद में जो फ्यूज़ है इसको सिर्फ हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर इस सर्किट में एक बार फ्यूज़ यूज़ हो गया तो उसके बाद में इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसकी जगह फिर दूसरा ही लेना पड़ेगा। वहीं जो एमसीडी है इसकी कॉस्ट भले ही ज़्यादा है लेकिन इसको बहुत बार आप नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन करंट फ्लोज एक्सीड अ फ्यूज वायर बर्न्स। ठीक है, जब जो एक लिमिट होती है करंट की, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट करंट फ्लो होने लग जाता है तो उस टाइम पे जो फ्यूज़ वायर है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है इन ऑर्डर टू ओपन द सर्किट। ठीक है, मतलब कि जो वायर है वो बर्न हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्यूज़ हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने घर में सुने होंगे। ठीक है, नाउ एमसीबी में क्या होता है, वेयर द एमसीबी डिस्कनेक्ट द सर्किट बाय ट्रिपिंग। ठीक है, इसमें एक ट्रिपिंग का साउंड होता है। एमसीबी को आपने सुना है, एमसी नाम से सुना होगा घर में, बहुत फेमिलियर वर्ड है एमसी। ठीक है, ये जब सर्किट इसका लगा हुआ होता है उसमें क्या होता है कि जब ऐसी ओवरलोड की सिचुएशन होती है या शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे ये जस्ट नीचे गिर जाती है या फिर एक ट्रिपिंग का साउंड आता है। ठीक है, इसमें वायर वगैरह कुछ बर्न नहीं होती जैसे कि फ्यूज में होती है। सो ये टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ वायर, ग्राउंडिंग और अर्थिंग और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मेरी लाइटिंग ख़राब है, इसके अलावा मुझे कुछ भी बताइए, मैं उस चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।